हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? ऊपर से जो लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं ही बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है बताने वाले हैं कि आपको अपनी बाइक का जो है एयर फिल्टर कितने हज़ार किलोमीटर पर आपको चेंज करना है, और फ्रेंड्स एयर फिल्टर आपको अपना साफ़ करना है कि चेंज करना है, इन सभी के बारे में आज वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, मैं इसकी प्राइस आपको बताऊंगा और आपको कैसे पता चलता है कि आपका एयर फिल्टर जो है चोक हो चुका है। अगर अपना एयर फिल्टर जो है टाइम से चेंज नहीं कराते हैं तो आपको जो है क्या परेशानी आ सकती है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, मैंने जो है हीरो का जो एयर फिल्टर लिया है, मैंने हीरो की तरफ से, ये आपको कोशिश करना है कि आपको जो है ओरिजिनल एयर फिल्टर ही परचेज़ करना है, भले आपको जो है 10-20 रुपये ज़्यादा देना पड़े। देखते हैं इसकी प्राइस जो है, आपको जो है 244 रुपये इसकी जो प्राइस देने को मिलती है। और फ्रेंड्स, ये हीरो का जो है जेन्युइन पार्ट मैंने परचेस किया है, जिसमें आपको शोरूम से परचेस करना है। और दोस्तों, इस एयर फिल्टर को जो है कितने हज़ार किलोमीटर तक इसको चला सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आपने मेरी पुरानी वीडियो आपको देखी होगी, मैंने इसको जो है एयर फिल्टर जो चेंज किया था अपना, वो पुराना वाला मैंने जो अपना 15,000 किलोमीटर पर मैं एयर फिल्टर चेंज किया था। और दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एयर फिल्टर की हालत क्या हो चुकी है। तो यहाँ से अपने स्क्रू ड्राइवर से आपको जो है यहाँ पर अपना ये पैनल खोल लेना है। और दोस्तों, स्प्लेंडर प्लस की बेसिक बाइक में आपको जो है एयर फिल्टर जो है साफ़ नहीं करवा सकते हैं। अगर आप साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो आपका एयर फिल्टर जो है चोक हो जाएगा। तो यहाँ से इसके बोल्ट को जो ओपन कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस भी लिखा हुआ है, डू नॉट क्लीन चेंज इट अप टू। इसकी जो है अगर मेंटेनेंस की सर्विस पर चेंज करना है, इसको आपको बिल्कुल भी कतई भी आपको जो है क्लीन नहीं कराना है। तो यहाँ से इसके जो है बॉक्स को हम ओपन कर लेंगे, इसके सभी स्क्रू को जो है लूज करके इसके एयर फिल्टर को आपको मैं दिखाता हूँ क्या कंडीशन है एयर फिल्टर की। तो दोस्तों, मैंने इसके स्क्रू को जो है सभी स्क्रू को निकाल दिया है, देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे तो फ्रेंड्स, ये है इस एयर फिल्टर की कंडीशन, आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। मैंने इस बाइक को जो है लगभग जो है 28 से 27 हज़ार किलोमीटर मैंने इसे चला दिया है। इस तरीके से मैं आपको जो एयर फिल्टर की कंडीशन देखने को मिलती है, आप देखते हैं इसके मीटर में। मैंने इसको जो है 15,000 पर लगाया था, अभी मेरी बाइक चल गई है 28,700, तो लगभग मेरी बाइक जो है 13,700 किलोमीटर चल चुकी है। तो फ्रेंड्स, इतना किलोमीटर चलने के बाद एयर फिल्टर कंडीशन दे सकते हैं कुछ ऐसी है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको जो है 5,000, 6,000 या 7,000 पर आपको एयर फिल्टर चेंज कराना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ये एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आप कितने पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं। आपके अगर आपके यहाँ अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो आपका एयर फिल्टर जो है जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर पोल्यूशन कम है तो आपका आराम से 10 से 12 किलोमीटर ये चल जाता है। तो मेरा ये 13,700 किलोमीटर चल चुका है। और दोस्तों, कैसे आपको जानना अगर आप एयर फिल्टर नहीं चेंज करते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत की परेशानी करनी पड़ती है? सबसे पहले इसके स्पार्क प्लग को मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा। अगर आप इसका एयर फिल्टर जो है टाइम से चेंज नहीं करेंगे तो आपके स्पार्क प्लग में जो है आपका ऑयल आने लगेगा और आपकी माइलेज जो है गिर जाएगी। आइए इसके स्पार्क प्लग को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने इसका जो है स्पार्क प्लग भी ओपन कर दिया, सकते हैं पूरा स्पार्क प्लग जो है ये काला होते जा रहा है। और दोस्तों, ये जो ऑयल उठाना शुरू कर दिया है, तो काफ़ी अच्छे टाइम पर मैंने जो है इसका एयर फिल्टर जो है चेंज कर रहा हूँ मैं। अगर मैं चेंज नहीं करता, अगर आप एयर फिल्टर चेंज नहीं करते हैं तो आपकी माइलेज डाउन हो जाएगी, आपकी जो बाइक जो है बिल्कुल एवरेज नहीं देगी, आपका स्पार्क प्लग में जो है ऑयल आने लगेगा। अगर आपका एयर फिल्टर चोक होता है तो आपकी एवरेज जो है गिरेगी, आपकी बाइक जो है पेट्रोल ज़्यादा पिएगी, आपकी बाइक एवरेज नहीं देगी। तो दोस्तों, कोशिश करें एयर फिल्टर का आप जो है हर 3,000, 4,000 या 5,000 किलोमीटर पर चेक करते रहें। जैसे आपके एयर फिल्टर कंडीशन ख़राब होती है, आप उसे तुरंत चेंज कराएं। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपकी बाइक जो है डैमेज हो सकती है, तो आपकी बाइक में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये एयर फिल्टर है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने हीरो की तरफ से लिया, हीरो का जनरल पार्ट है, आपको परचेस करना है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ से इसकी जो है पैकेट को हम फाड़ लेंगे। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो है आपको हर बार चेंज भी नहीं करना पड़ता। अगर आप इसका अच्छा एयर फिल्टर लेंगे तो आपका आराम से जो है 10 से 12 किलोमीटर चल जाएगा। अगर आप इसका लोकल एयर फिल्टर परचेस करते हैं तो आपको जो है हर सर्विस पे चेंज कराना पड़ता, दे सकते हैं। ये है इसकी नए की कंडीशन, आपको मैं कंपेयर करा के दिखा दे सकते हैं। ये है इसका पुराना एयर फिल्टर, ये इसका नया, आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। दोस्तों, ये फिल्टर जो है इसका ये चोक हो चुका है। तो आइए इसके फिल्टर को मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों, आपको इसको पुराना एयर फिल्टर निकालना है, आपको नया एयर फिल्टर जो है फिट कर देना है। तो
उसको दे सकते हैं। आपको जैसे ही जिस तरीके से आपने निकाला उसी तरीके से आपको सिंपली फिट कर देना है। और फ्रेंड्स आइए मैं आपको उसको फिट करने के बाद उसमें मिलता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसके एयर फिल्टर को जो इंस्टॉल कर दिया है, इसके पैनल को मैं लगा रहा हूँ। आपको सिंपली जैसे जैसे आपने खोला था वैसे वैसे आपको जो इसके नेट को टाइट कर देना है। इसका पैनल भी मैं लगा दे रहा हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर इसका एयर फिल्टर जो टाइम टू टाइम नहीं चेंज कराते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। आपकी बाइक, सबसे पहली बात आपकी बाइक की एवरेज कम देगी, आपको जो है बाइक में पिकअप का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको बाइक को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी बाइक जो है पिकअप भी सही से नहीं लेगी। और फ्रेंड्स इसमें दोस्तों आपकी बाइक जो है पेट्रोल ज़्यादा पिएगी, आपकी बाइक बिल्कुल भी एवरेज नहीं देगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके आपको जो है परेशानी हो सकती है और आगे आपके बाइक में जो दिक्कत आ सकती है अगर आप फिर भी एयर फिल्टर नहीं चेंज कराते हैं तो आपकी बाइक जो है स्टार्ट भी नहीं होगी। तो दोस्तों कोशिश करें अपने एयर फिल्टर जो है टाइम टू टाइम मेंटेनेंस पर आपको जो इसे चेंज कराते रहें। अगर आप चेंज कराते हैं टाइम टू टाइम आपकी बाइक एवरेज अच्छा देगी, आपकी बाइक अच्छी चलेगी, ज़्यादा दिन तक भी चलेगी दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।